फॉर टेक न्यूज अनबॉक्सिंग रिव्यू प्रोडक्ट एप नॉलेज सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान विद सनी चैनल को और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, स्मार्टफोन में कई तरह की पर्सनल जानकारियां होती हैं। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स, मोबाइल वॉलेट, आपकी ईमेल आईडी, लॉगिन और आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी होते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, चोर आपके फोन को चुरा कर आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करता है। आज मैं इस वीडियो में कुछ जरूरी स्टेप बताने वाला हूं ताकि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें और अपने बैंक के पैसे को सिक्योर रख सकें। दोस्तों, जैसे ही आपका फोन चोरी होने के बारे में आपको पता चले, तुरंत अपने बैंक को कॉल करें। बैंक का नंबर आपको बैंक की वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर आपको टोल फ्री नंबर अपने बैंक का मिल जाएगा, या दोस्तों रजिस्टर्ड ईमेल से मेल करके अपने ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस को बंद करवा दें। ऐसा इसीलिए क्योंकि ओटीपी फोन पर आने पर वो आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। नए फोन में इंटरनेट बैंकिंग यूज करने से पहले पुराने पासवर्ड को रीसेट जरूर करें। दोस्तों, फोन चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को किसी दूसरे नंबर से कॉल करके अपना सिम ब्लॉक करवा लेना चाहिए ताकि आपके बैंक या दूसरे फाइनेंशियल ओटीपी का एक्सेस चोर को ना मिल सके। बाद में आप नया सिम ले सकते हैं। आप जिस भी कंपनी का सिम यूज करते हैं उसमें आप अपने स्टोर पर जाकर आप बोल सकते हैं कि मेरी सिम चोरी हो गई है, मुझे नया सिम इशू करवाना है। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए बेहतर है सबसे पहले सिम को ब्लॉक करवा दें। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप अपना मोबाइल नंबर इशू नहीं करवा पा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि चोरी करने वाला किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने के फिराक में हो। इसके लिए आपको सेफ्टी का ध्यान बहुत जरूरी तौर पर रखना है। आप अपने नियरेस्ट आधार सेंटर पर जाकर अपना मोबाइल नंबर चेंज जरूर करवा लें। बैंक से लिंक्ड UPI पेमेंट को डीएक्टिव जरूर कर दें। फोन चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी आप यूज करते हैं और साथ ही जहां भी आपने ईमेल को लॉगिन कर रखा है उसका पासवर्ड को चेंज जरूर कर लें। इससे स्कैमर्स आपके दोस्तों को टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरे द्वारा दी गई जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप ज्ञान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।